हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी दौड़ चल रही है। किसकी दौड़ हो रही है? बिटकॉइन की दौड़ चल रही है, इथेरियम की दौड़ चल रही है। इथेरियम थोड़ा सा और तेज़ी से भाग रहा है। इथेरियम की जो स्पीड है 10 किलोमीटर की स्पीड से यानी कि 10% बढ़ चुका है, और BTC जो है वो थोड़ा सा संभल के बढ़ रहा है, रफली 3% के आसपास इजाफा है। मेन चीज़ ये है कि बिटकॉइन ने 31,000 के लेवल को पार कर दिया था। राइट नो अभी जो मैं वीडियो कर रहा हूँ, इसकी प्राइस चल रही है 30,867 के आसपास चल रही है। और थोड़ा सा जो मैं चार्ट्स पे इंडिकेटर्स वगैरह को देख रहा हूँ, तो बस इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे हम पुलबैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन BTC। ठीक है, पुलबैक यानी कि प्राइस जब इतनी तेज़ी से बढ़ता है, थोड़ा बहुत ठहराव लेता है, रेस्ट लेता है, तो प्राइस हम थोड़ा बहुत नीचे की तरफ देख सकते हैं। अभी जो इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है BTC का, वो 29,000 के आसपास है। ठीक है, अब इथेरियम का क्या हो सकता है? क्या इथेरियम 2500 तक जा सकता है या सीधा 3000 तक जाएगा? ठीक है, और ये जो स्टेक्ड ईथर है, ओके, इसका क्या मामला चल रहा है अभी? इसको लोग बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या कहूंगा कि भैया वीडियो को फटाफट लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा। कल जो ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, एक था APT था, देन मीना था, उसके बाद वन था। ठीक है, APT और मीना 7-8% के आसपास आराम से दोनों ने दे दिया। वन जो है वो भी 3-4% के आसपास दे रहा है, बट वो अपने एक ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। लीडो बहुत पहले मैंने आपको दिया था, अभी 20-23% के आसपास में ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है। ठीक है, अब हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। शाम को कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्टकॉइन्स आपको बताऊंगा, ओके, उसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और मैं जो एक्सचेंजेस पर ट्रेड करता हूँ, वो लिंक्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, मैं बेहतर एक्सचेंज को पकड़ता हूँ, ये भी देखता हूँ कि कौन से एक्सचेंज में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, कौन से एक्सचेंज में एयरड्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे मिल रहे हैं, और कहाँ पे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, मार्केट पे अभी मैं देखो ऑनेस्टली बाइनेंस तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाइनेंस काफ़ी अच्छा है लेकिन उसको यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ठीक है, बहुत ऐसे जो जेम कॉइन्स हैं वो बायबिट वगैरह ये सब पे लॉन्च हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब सीधा आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। मेरे हिसाब से उसको जानने के बाद थोड़ा सा आप है ना, मतलब मार्केट के हिसाब से तैयार रहना चाहिए। ओके, कि मार्केट में कब कब करवट बदल सकता है, कब नीचे आ सकता है, कब ऊपर आ सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। जब तक ये सारी चीज़ें आपको हमको नहीं मालूम होगा और हम आग बंद करके ट्रेड करेंगे, फलाना फलाना ने कह दिया कि भैया एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ घूम रहा है, तो ऐसे होगा, ऐसा नहीं चलता मार्केट में। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई तो अच्छा खासा छाप रहा होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत ये माथापच्ची करना पड़ता है इसके अंदर। ओके, एंड आई एम श्योर कि आप में से अभी तो बहुत सारे लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा गाइडेंस हमको भी दे देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है वो सब। ठीक है, तो कमेंट्स करके जो मैं बता रहा हूँ पहले उसको देख लो, समझ लो, और कमेंट्स करके आप भी अपनी राय प्रकट करना कमेंट्स के अंदर कि भैया ये ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, थोड़े बहुत मुझे एनालिस्ट की ज़रूरत है, जो लोग चार्ट्स को देख सकते हैं या कुछ अच्छी खासी एनालिसिस कर सकती हैं, वो प्लीज़ मेरे ईमेल एड्रेस पे मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए मुझे ज़रूरत है अच्छे एनालिस्ट की, एकदम बहुत एक्सपर्ट भी होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक मिडल में भी हैं, आपको आता है ऐसा ऐसा करना, उसकी ज़रूरत है, प्लस कॉन्टेंट रिसर्च जो करते हैं उनकी मुझे बहुत सख्त से सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करना। किसी भी स्कैमर से कांटेक्ट मत करना, पैसा ऐसा किसी को कुछ मत देना। ठीक है, कोई ऐसा बोले ना भैया हमको पैसा दे तो हम आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, काम की बात करते हैं और सीधा चार्ट्स पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे चार्ट्स पे देखिए, तीन मैंने ओपन कर रखा है, BTC, इथेरियम, फिर यहाँ पे एकदम राइट है BTC डोमिनेंस है और उसके नीचे है इथेरियम का चार्ट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए BTC 30,810 के आसपास चल रहा है। ओके, और इथेरियम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हम इस चार्ट पे आते हैं, जो डोमिनेंस वाला जो चार्ट है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, डोमिनेंस नीचे आ रहा है और इथेरियम की प्राइस ऊपर चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से सही चल रही है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आपको लेके चलता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट पहले स्टैट्स बताता हूँ,
और फिर उसका फ्लो ग्राफ बताता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन ससुरा जो है वो इथेरियम निकाल रहा है, कौन बेचने के लिए बैठा है, वो सारी लिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, तो मज़ा आएगा देखने में, ठीक है। सबसे पहले स्टैट जान लेते हैं कि क्या ये जो इथेरियम है, इथर जो है वो अनस्टेक जो हो रहा है वो सही में पैनिक क्रिएट कर सकता है, कब कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो मामला अभी निकल के आ रहा है ये है कि क्रैकन जो है वो अनस्टेकिंग जो है ना उसमें सबसे आगे है, लेकिन यानी कि उस पर अनस्टेक करने वाले जो लोग हैं इथेरियम को वो 62% है, उनकी एग्जिट क्यू वहाँ पे लगी हुई है। क्रैकन पे क्यों है इतना, ऐसा क्या हो गया? देखिए वी ऑल नो कि SEC जो था, ठीक है, उसने क्रैकन के ऊपर जो है अच्छी खासी एक लगाम लगाई थी, और बिकॉज ऑफ अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ये सब करके जो वो स्टेकिंग का मामला चला रहा था, और उसको लमसम कह सकते हैं कि 30 मिलियन का एक फाइन लगा, मामला सुलटाया गया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो कस्टमर्स US बेस्ड हैं, ठीक है, या जिनको डर लग रहा है क्रैकन से रिलेटेड सारी चीज़ों को लेके कि आगे क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है कि क्रैकन से अनस्टेक करना चालू करें, ठीक है। डेट्स वाई वहाँ पे लाइन जो कतार जो है वो बहुत लंबी लगी हुई है। अब अनस्टेक जो है वो एक साथ तो नहीं होगा, क्योंकि आप मेरी शंघाई अपग्रेड वाली वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने बताया था कि भाई एक दिन में कितना होगा, ठीक है, ईपॉक टाइम जो होता है हर एक ईपॉक टाइम के बाद इतना होगा, तो मैक्सिमम जो 1500 के आसपास जो है या 15,000 आई डोंट नो, शायद मैं मिस कर रहा हूँ, तो उतने ही लोग जो है वो एक दिन में अनस्टेक कर सकते हैं। खैर अब हम क्रिप्टो क्वांट की बात करते हैं जो एक डेटा एनालिसिस रिपोर्ट वगैरह हमको देता है, तो उनका ये कहना है कि 60% ऑफ ऑल स्टेक्ड ईथर जो है वो अभी लॉस में है। ओके, मतलब कि उनको निकाल के बेचना अगर कोई करता है तो उसको लॉस होगा, क्योंकि लोगों की जो बाइंग हुई है वो 2500 से लेके 3000 से जो प्राइस था उस समय हुई थी, ठीक है, तो उसका सेल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। दैट्स वाई वहाँ पे थोड़ा सा एक लो प्रेशर है, ठीक है। अब जो विड्रॉल्स हो रहे हैं उसमें अभी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से ये है कि दो तरीके विड्रॉल्स थे, वी ऑल नो, एक रिवार्ड है और दूसरा कि आप फुल स्टेक रिवार्ड के साथ जो इथर डाला है वो भी निकाल लो। तो जो अभी विड्रॉल्स हो रही है डेट इज ओनली द रिवार्ड, ज़्यादातर रिवार्ड्स को निकाला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट पे हम बात करते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कि लास्ट एक वीडियो के अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि लीडो फाइनेंस जो है, ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा ईथर स्टेक किए गए हैं, लमसम 31% के आसपास जो है वो लीडो के ऊपर भी है। ओके, कतार लगी है क्रैकन से निकालने के लिए, लेकिन जो सबसे एक हिस्सा स्टेक किया गया है वो लीडो के ऊपर किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो डेटा है कि लमसम 24% जो है स्टेकिंग जो है वो तब हुई थी जब इथेरियम की प्राइस 3000 से ऊपर थी। ओके, यानी कि रफली पकड़ते हैं तो 4.35 मिलियन ईथर जो है वो 3000 के ऊपर जब जाएगा प्राइस, तब एक लोग निकालेंगे तो कट्टू कट उसमें से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक लेवल्स निकल के आ रहे हैं, एक आ रहा है अब 2500 के आसपास आ रहा है जहाँ पे लोगों ने थोड़ी सी एक स्टेकिंग की थी, और दूसरा 3000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मेरे को ऐसा लगता है कि शायद जो इथेरियम है हो सकता है जो प्राइस है वो शायद 2500 तक भी खींच सकता है। ओके, और उसके बाद से हो सकता है कि लोग थोड़ा सा इसमें एक सेल ऑफ करें। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं एक डेटा यहाँ पे शेयर करता हूँ, शायद आपको मदद करे ये, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इथेरियम वैलिडेटर्स फ्लो एग्जिट क्यू, ठीक है, वैलिडेटर्स अवेटिंग एग्जिट, जितने वैलिडेटर्स है जो एग्जिट करने के लिए कतार में खड़े हैं वो धीरे धीरे अभी हो गया है लमसम 18,000 के आसपास हो गए, ठीक है, कल तक 15,000 के आसपास था, या 18,000 के आसपास ये हो चुका है, बढ़ रहे हैं। ईथ स्टेकिंग फ्लोज, ओके, डिपॉजिट जो है वो कम हो रहा है, विड्रॉल्स जो हो रहा है पिंक कलर का आप नीचे देखो उसके कॉलम्स जो है ज़्यादा बन रहे हैं, वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और इथेरियम वैलिडेटर्स फ्लो जो है एग्जिटेड वैलिडेटर्स अवेटिंग विड्रॉल, और जिन लोगों ने एग्जिट कर लिया है वो अपने विड्रॉल्स के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है, विड्रॉल करेंगे उनको मिलेगा, उसके बाद उसको वो बेचते हैं जो करते हैं वो हमें पता चलेगा। तो ये भी जो ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ता हुआ आ रहा है, तो हो सकता है कि विड्रॉल्स हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि एक सही लेवल आया है उस पर बेचें, क्योंकि
वी ऑल नो कि इथीरियम बहुत अच्छा खासा 3-4 हज़ार के ऊपर गया था, और उसके बाद से 2 साल के आसपास कह सकते एकदम सूखा पड़ा था। तो जिन लोगों ने स्टेक किया था भाई, उनके सामने मिठाई होते हुए भी वो खा नहीं पा रहे थे क्योंकि लॉक हो गया था। तो अब अगर उनको मौका मिला है तो उनके दिमाग में ये भी चलता होगा, मेरे हिसाब से अगर मैं हूँ मैं तो ये सोचूंगा कि भाई चलो किसी तरह से एक कट टू कट आया तो मैं अपना माल निकाल लूँ, ठीक है, क्या पता ये वापस से नीचे आ जाए फिर मुझे मौका मिले या ना मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में हो सकती हैं जिन्होंने अच्छा खासा स्टेक किया है, बट ग्राफ यहाँ पे यही बता रहा है कि अच्छी खासी कतार वगैरह लगी हुई है बेचने बेचने के लिए, ओके। तो इसको भी आप देख सकते हैं, और अगर ये चार्ट आपको देखना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, app.parsec.finance, ठीक है, इस पे आप जा सकते हैं, तो आपको ये चार्ट वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्विक अपडेट ऑन द मार्केट। हमने BTC की बात की, इथेरियम की बात करी, और अनस्टेकिंग जो है वो किस लेवल पे भी खड़ा है वो मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हैं, और ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए मार्केट में किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ से पुल बैक हो सकता है। और मैंने टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि वी कुड एक्सपेक्ट पुल बैक, और अभी 30,800 के आसपास चल रहा है, हमने 30,930 के आसपास था, मैंने एक छोटा सा एक शॉर्ट रखा है क्विक स्कैल्पिंग करके, वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, बट इथेरियम के अंदर मैं अभी शॉर्ट नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इथेरियम ऊपर थोड़ा सा जा सकता है, ठीक है। और बाकी हम ऑल्ट्स के अंदर भी कोशिश करेंगे शाम को कुछ ऑल्ट सिलेक्ट करें। मेरे हिसाब से अभी जो टाइम हो रहा है इंडिया में वो 1:20 हो रहा है, तो लमसम 5 के आसपास इंडियन टाइम कुछ ऑल्ट कॉइन्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कोशिश करना उसको ट्रेड करने के लिए, ओके, और ताकि कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। देखूँगा अगर एकदम बॉटम पे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, अदरवाइज से शेयर नहीं करूँगा, अगर टॉप पे तो ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स होंगे कोशिश करना आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और सारे जो इंपॉर्टेंट वैलिड जेन्युइन जो भी सोशल मीडिया के हमारे लिंक्स हैं सारे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहीं पर जाके आपको फॉलो करना है। जल्द मिलते हैं, तब तक ले टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। We'll be right back.